शांति 27 जून 2023। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे तुम सच्चे सच्चे रूहानी ब्राह्मण नई दुनिया की स्थापना के निमित्त हो। तुम्हें अपना अश्व अर्थात शरीर इस यज्ञ में स्वाहा करना है। आज का प्रश्न है, अवस्था को स्थाई अर्थात एक रस अचल बनाने का साधन क्या है? उत्तर है, अवस्था स्थाई तब बनेगी जब निरंतर योग में रहेंगे। योग टूटता तब है जब किसी में ममत्व है, इसलिए नष्टो मोहा बनो, बुद्धि को पवित्र बनाओ। ज्ञान की धारणा भी पवित्र बुद्धि में ही होती है, इसलिए बुद्धि रूपी बर्तन स्वच्छ हो, बाप से योग जुटा रहे। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, योग अग्नि से विकर्मों की खाद भस्म कर गोरा बनना है, पवित्र बन सभी पर पवित्रता की ब्लेस करनी है। दूसरा है, स्वयं को ऐसा अचल घर बनाना है जो कोई भी विकर्म ना हो। याद की मेहनत से अपनी अवस्था परिपक्व बनानी है। आज का वरदान है, स्वयं को अवतरित हुए अवतार समझ सदा ऊंची स्थिति में रहने वाले अर्श निवासी फरिश्ता भाव। स्वयं को अवतरित हुए अवतार समझ सदा ऊंची स्थिति में रहने वाले अर्श निवासी फरिश्ता भाव। जैसे बाप अवतरित हुए हैं, ऐसे आप श्रेष्ठ आत्माएं भी ऊपर से नीचे मैसेज देने के लिए अवतरित हुए हो। रहने वाले सूक्ष्म वतन व मूल वतन के हो, देहभान रूपी मिट्टी अथवा पृथ्वी पर आपके बुद्धि रूपी पांव नहीं पड़ सकते, इसलिए फरिश्तों के पांव सदा फर्श से ऊपर दिखाते हैं। तो आप सब ऊंची स्थिति में स्थित रहने वाले अर्श निवासी अवतरित हुए अवतार हो। इसी स्मृति से उड़ती कला में उड़ते रहो। आज का स्लोगन है, स्व परिवर्तन के तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को ही बाप के दुआओं की मुबारक मिलती है। स्व परिवर्तन के तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को ही बाप के दुआओं की मुबारक मिलती है। ओम शांति।